रुक जाओ। दरअसल वो आम हाथी से अलग है। उसके शरीर पर बाल कुछ ज्यादा हैं। आश्चर्य है कि मैंने ऐसा हाथी पहले कभी नहीं देखा। उसे सबसे पहले किसने देखा? एक साधारण शिकारी ने जो हमेशा जंगल में घूमता है, उसने ये खबर फैलाई है। फॉरेस्ट रेंजर्स के हेलीकॉप्टर से उन हाथियों की तस्वीरें खींची है। चूंकि हम एशियन एलिफेंट कंजर्वेशन ग्रुप के सदस्य हैं, इसलिए जाकर उसकी खोज करना हमारा कर्तव्य कहलाता है। मिस्टर टर्मसैक, क्या हमें इस पे विश्वास करना चाहिए या ये कोई ऐसी वैसी मनगढ़ंत कहानी है जो काफी मेहनत से खोजबीन के बाद में झूठी साबित हो? इससे तो हमारा मजाक भी उड़ाया जा सकता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें वहाँ जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए ताकि कोई और मूर्ख न बने। इसका मतलब हमें उस जहरीले जंगल में खोजबीन के लिए जाना ही होगा। ऐसा क्यों सोचती हो टॉम? ये सच भी हो सकता है, और अगर सच हुआ तो इस आविष्कार का सारा श्रेय हमारी संस्था को जाएगा, जानती हो ना? यानी उस अद्भुत हाथी को खोजकर उसकी तस्वीरें उतारना, इसमें तो जान भी जा सकती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हम कैमरे में कवर करते हुए उसकी खोजबीन करेंगे। हमारे पास सबूत होने पर पौराणिक कहानियों में विश्वास करने वाले तब हमें मूर्ख बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। कौन? विदेशी विशेषज्ञों से कहो कि हमारे साथ चले। इनकी किस्मत में भी वो हाथी देखना लिखा है। ये भी हाथियों पर काफी रिसर्च करते हैं। क्या इन्हें अपने साथ ले जाना ठीक रहेगा? बिल्कुल रहेगा। विदेशियों का साथ रहना और भी अच्छा रहेगा। वैसे भी हम थाई लोग विदेशियों पर बहुत विश्वास रखते हैं। ऊपर से ये हमारे लिए सबूत कहलाएंगे। टोंग, उनके लिए जरूरी सामान अपने साथ में रख लेना। लेकिन हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां कैसे बांटेंगे? तो ठीक है, हेनरी तुम फिल्म उतारोगे, कॉन्ग और टोंग तुम दोनों विदेशियों का ख्याल रखोगे। हमारे पास काफी कैंस हैं, साथ ही इतना सामान है कि हम जंगल में पूरे 3 दिन तक रुक सकते हैं। सब लोग साथ में रहना, क्योंकि जंगल बहुत ही खतरनाक है। उस जंगल के रास्ते से नशीले पदार्थों की तस्करी भी होती है। आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? चिंता मत करो, हमें कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको अफ्रीकन लोग पसंद हैं? ओह नो नो नो, लेकिन मुझे अफ्रीकन गीत बहुत पसंद है। हे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमारा हेनरी है ना, उसके लोक गीत तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। आ रहा हूँ।
हाँ, ये बहुत अच्छा गाता है। हे हेनरी, हमने तो तुम्हारे लोकगीत बहुत सुने हैं, आज हम चाहते हैं कि तुम्हारे लोकगीत विदेशी मेहमान भी छोटे शुरू हो जाए। ओके छोटे, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, इन्हें भी मजा लूटने दो। यहाँ कल क्या हो, किसने जाना। कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आए? नहीं, सही जगह है। यहाँ केवल एक ही गांव है, लेकिन यहाँ पर हर चीज अजीबोगरीब दिख रही है। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। मैं सुबह से ना ही नहीं हूँ, ना ही कुछ खाया है, और समझ नहीं आ रहा कि हम लोग सोएंगे कहाँ। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, खाने की और पीने की बस। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर टम्सैक, क्या हम लोग सही जगह पे आए हैं? चिंता मत करो, आराम करने के लिए जगह मिल जाएगी। ये भी कवर कर ले। तुम्हारा मुखिया कहाँ है? इस गांव का मुखिया कहाँ है? चलो। कहीं तुम मुझे तो नहीं खोज रहे हो मिस्टर टम्सैक? बिल्कुल सही कहा। लगता है तुम उस हाथी की तलाश में हो जिसकी अखबारों में चर्चा है। हाँ, आपने सही समझा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हम आज रात आराम करना चाहते हैं, और हमें गाइड करने के लिए ट्रैकर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं किसी को भेज दूंगा, लेकिन टोंक्स दोबारा जंगल में जाने से मना कर रहा है। नहीं जाऊंगा, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो हमें हमारी मंजिल कैसे मिलेगी? इस घने जंगल में हम कैसे जाएंगे, जरा सोच के देखो। ट्रैकर, हमारी बात मान लो, हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस जंगल में दोबारा नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा? कोई नहीं जानता कि वो हाथी कहाँ मिलेगा।
बिना सबूत के ये सच्चाई एक ऐसा रहस्य बन जाएगी जो लोग कभी नहीं जान पाएंगे। हम तुम्हें यह मुफ्त में करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए पैसे देंगे। तुम जितना पैसा मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। तुम क्या सोचते हो मैं पैसे के लिए नहीं जा रहा हूं? हां मिस्टर थॉंग्स, तुम नहीं जानते तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है। तुम ये क्या बोल रहे हो? जंगल में ऐसा क्या है? वो दरअसल बहुत घना जंगल है। उस जंगल में जाना तो आसान है मगर वहां से लौटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बहुत से शिकारी हैं जो आज तक वापस नहीं आए। और दूसरी बात, जिस हाथी की तुम्हें तलाश है वो शायद हो या नहीं भी ये हम नहीं जानते, और अगर हुआ तो वो भी खतरे से खाली नहीं होगा। वो जान भी ले सकता है, इसीलिए थॉंग्स जंगल में जाने से कतरा रहा है। ये बातें हमारा इरादा नहीं बदल सकती। हम ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझे तो लगता है कि आप सब लोग बहुत डरपोक हैं, बिल्कुल गिदड़ों की तरह। कुछ भी हो हमें हमारा प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगर ये थॉंग हमारे साथ नहीं चलेगा तो भी हम इरादा नहीं बदलेंगे। हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि आखिर जंगल में होता क्या है। सपना देखा क्या? ए, तुम इतनी घबरा रही क्यों? वो नहीं मान रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। Supermarket in Japan. Mr. Hatton,
जैसा मैंने सपने में देखा था वैसी मौतें हकीकत में हो रही हैं। यहाँ रहने पर पता नहीं अब किसकी मौत आएगी। तुम बहुत घबरा गई हो यार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम में से किसी और के साथ कुछ नहीं होगा। मिस्टर टॉमसेक, अभी दर्द कैसा है? थोड़ा ठीक है। मैं वापस जा रही हूँ। ये जरूरी नहीं कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम अपनी जान गंवाएं। वाकई वापस जाना चाहती हो? पर तुम यहां से बाहर कैसे निकलोगी? वहीं से जहां से हम जंगल में घुसे थे, यहां से निकलना इतना मुश्किल नहीं है। कॉग ने अपने चाकू से जिन पेड़ों पर निशान लगाए थे, मैं उनको फॉलो करती हुई चली जाऊंगी। ये इतना आसान नहीं है। हम नहीं जानते कि इस जंगल में और क्या क्या है, और ऊपर से तुम अकेले कैसे जा पाओगी? अगर ये बात है तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। एक से भले हम दो रहेंगे। हम नहीं जानते इस जंगल में और क्या क्या है, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूर दूर तक हमारी मौत की चीखें कोई नहीं सुन पाएगा। हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। मिस्टर टर्म की हालत ठीक नहीं है। इनकी ठीक होती हम सब वापस चलेंगे। मिस्टर टॉमसेक अभी भी उस हाथी के बारे में ही सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो अपना इरादा बदलेंगे। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम सब सोने की कोशिश करो, मैं जाकर पहरा देता हूं। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से सबको यहाँ आना पड़ा। लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मैं अपना ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मुझसे एक वादा करो। कि तुम ये प्रोजेक्ट पूरा करोगे। कौन? मैं वादा करता हूँ, मैं आपका प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। कॉन्ग, मुझे मेरी दवाई ला कर दोगे जो मेरे बैग में है? अभी लाता हूं। Hmm.
ये आपने क्या किया? मुझसे और नहीं खोदा जा रहा है, चलो चलते हैं। हाँ सही कहा, चलते हैं। और जीने दो, उसे छोड़ दो। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर उसे छोड़ देता तो हम सबको डस लेता। तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। तुम क्या मरना चाहते हो? तुम लोगों के जिंदा रहने के लिए यही एक रास्ता है कि जी और जीने दो। किसी के बीच क्यों आते हो? तुम मेरी बात का जवाब दो, इस जंगल में क्या छुपा है? वो सब बता जो तुम जानते हो। जल्दी बताओ नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। मिस्टर थॉन्ग, मुझे अपने दोस्तों की चिंता हो रही है और मैंने मिस्टर टाइम सेक से वादा किया है, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या तुम लड़कियों को अपने साथ वापस ले जा सकते हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर वापस जाएंगे तो सबके सब मिलके। ये क्या फुसफुसा रहे हैं? मुझे भी नहीं मालूम कि वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। मिस्टर थॉन्ग, मैं विनती करता हूं, सबके सब मेरे साथ ही रहना। हमें झरना पार करना होगा, सावधानी से।
मिस्टर थॉन्स, हमें उस हाथी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा और कितना समय लगेगा गांव पहुंचने में? गांव पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे क्योंकि उसका रास्ता अलग है। क्यों, जिधर से आए थे उधर से क्यों नहीं? हमें दूसरा रास्ता क्यों चुनना होगा? मैं नहीं जानता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लगता है तुम पागल हो गए हो। जरूर उसके पीछे जो कारण है तुम जानते हो और जानबूझकर हम सबको नहीं बताना चाहते हो। कल रात में थॉन्ग से बातें कर रहा था और उसी ने मुझसे कहा था कि हमें दूसरे रास्ते जाना चाहिए, पता नहीं क्यों। तुम पागल हो गए हो जो उस बुढ़ाओं की बातों पर विश्वास कर रहे हो। ए छोटे, मरे हुए इंसान पर थोड़ा तो तरस खाओ। हमारे कारण उस बेचारे ने अपनी जान दे दी, उसकी थोड़ी तो इज्जत करो। सुनो, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? एक तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, बजाय इस तरह लड़ने के हमें बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, समझे? हम जहाँ से आए वहीं से मैं जाऊंगा, जो मेरे साथ आना चाहता आ जाए, जो दूसरे रास्ते से जाना चाहता है वो खुशी से कांग के साथ जा सकता है। शिट, हम जहां से निकले थे वहीं वापस पहुंच गए। इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। कोई बात नहीं, हम लंबे रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। मेरी बात मान लो छोटे। बेकार में चिंता मत करो, हम चलते रहेंगे तो जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। देर सवेर तो होगी ही, परेशान मत हो, मुझे अपना कॉम्पस देना। सुनो, हम इस वक्त पूरब की ओर चल रहे हैं ना, लेकिन अब हमें सूरज के साथ साथ चलना होगा, वो भी उसकी विपरीत दिशा में। तुम सब क्या कहते हो? तुम्हें पूरा विश्वास है कि हम दोबारा यहाँ नहीं लौटेंगे? विश्वास तो नहीं, पर अगर हम विपरीत दिशा में चलेंगे जहाँ से हम निकले हैं तो मेरा ख्याल है हम वापस शायद गांव पहुँच जाएंगे। क्या तुम वापस फिर वहीं से जाना चाहते हो? अच्छा आप लोग बताइए, क्या आपके पास कोई आइडिया है इस जंगल से बाहर निकलने का?
आई एम सॉरी, हमें कोई आइडिया नहीं। सारे पेड़ एक से नजर आ रहे हैं। तो ठीक है, हम सूरज की ओर चलेंगे। छोटे, कहीं हम भटक तो नहीं गए? तुम्हें क्या लगता है ये वही रास्ता है? मैं कैसे जानूंगा, मैं तो सिर्फ चल रहा हूं जैसे तुमने कहा सूरज की तरफ चलने के लिए। हमें अपना डेरा ही जमा देना चाहिए, अंधेरा होने वाला है, खाने पीने का इंतजाम भी करना है। पागल हो क्या, ऐसे रुक रुक के चलेंगे तो हम गांव कब पहुंचेंगे तुम ही बताओ। मैं थक गई हूँ और प्यास भी लगी है, हम इसे सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, क्यों ना आराम कर लें, मुझसे चला नहीं जाएगा। आ जाओ दोस्तों, ये रहा पानी, पी लो। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी पीने लायक है भी या नहीं? ये जहरीला नहीं है, मेरा विश्वास करो, आओ और आकर पी लो। छोटे तुम जाकर खाने का बंदोबस्त करो। टॉम, तुम माइकल और एयर के साथ कैंप का सेटअप करो, मैं जाकर लकड़ियां लाता हूं और रात में यहीं आराम करेंगे और पौ फटते ही यहां से निकल चलेंगे। क्या कहते हो, आप दोनों भी राजी हैं ना? ज़्यादा दूर नहीं जाना। ताऊजू, ताऊजू कहाँ हो? ताऊजू, ओह तो यहाँ हो। क्या हुआ? एयर अब कैसी है?
ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, उसे तेज बुखार भी है। छोटे, तुम और जैक मेरे साथ आओ, हम चारों देख कर आते हैं। शायद हमें यहाँ पर कुछ दिन और रुकना पड़े एयर के ठीक होने तक। साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आएंगे। चलो। हम कैंप नदी के किनारे लगाएंगे, जब एयर ठीक हो जाएगी तब यहां से रवाना होंगे। एयर की हालत वैसी ही है। Damn it! अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं यहां मरने के लिए नहीं रुकूंगा। जो रुकना चाहता है रुके, मैं वापस जा रहा हूं। मैं इस जंगल से नहीं डरता हूं। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? एयर अभी बीमार है, तुम जानते हो ना, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तुम रुकना चाहते हो तो रुको, मैं जा रहा हूं। तुम्हें एयर की जरा भी चिंता नहीं है, फिर जूझ रही है और तुम उसे छोड़ के जा रहे हो, ये कैसी दोस्ती है? मैंने कहा ना, जो रुकना चाहे रुक सकता है, पर मैं जानबूझकर मौत की नींद नहीं सो सकता। मैं खुद यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैंने नहीं कहा कि मेरे साथ चलो। तुम तो बहुत बड़े बेशरम हो, दोस्ती के नाम पर धब्बा हो, तुम बहुत बड़े कायर हो, कमीने कहीं के। ठीक है जाओ, बंदूक दे के दफा हो जाओ। तुझे तो दोस्त कहते हुए भी शर्म आती है, दफा हो जा, जा। डैम इट, तुम अपने आप रुक जाओ। छोटे, मैं तो समझा था तुम अच्छे दोस्त हो, पर तुम तो जानवरों से बर्ताव करो, क्या यही तुम्हारी दोस्ती है? मैं जा रहा हूँ, जो मेरे साथ आना चाहे आ जाए। रुक जाओ छोटे, ये क्या कर रहे हो? मैं फिर से पूछ रहा हूं, बोलो क्या तुम लोग आओगे? मैंने कहा कोई मेरे साथ चलना चाहता है? ये रख लो। क्या जरूरत पड़े तुम लोग अपना ख्याल रखना, मेरे स्वार्थपन के लिए मुझे माफ करना।
अलविदा दोस्तों, एयर का ख्याल रखना। मैं भी जा रहा हूं। जैक, एयर का क्या होगा? तुम्हें उसकी जरा भी चिंता नहीं है क्या? उसे हमारी मदद चाहिए। I'm sorry, पर तुम लोग तो हो ना उसे संभालने के लिए। मैं मरना नहीं चाहता। भाग में जाओ, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं यहीं रहूंगी। Get lost. शैन, समझने की कोशिश करो। मैं मजबूर हूं। बहुत अच्छे। लो ये पकड़ो। हे, जल्दी बाहर निकलो। मैंने कहा जल्दी बाहर निकलो। क्यों, क्या हो गया? मुझे एयर की चिंता हो रही। चलो। बस थोड़ा सा धीरज रखो, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। हौसला रखो। हमें मिल गया, हमें रास्ता मिल गया। कमा, चलो। रुक जाओ, खबरदार, वापस चले जाओ वरना भून दूंगा। खामोश, सरेंडर हो जाओ। मैं चेतावनी दे रहा हूं, शूट करो। Jack, come on, Jack.
बाहर, तुम्हारे सामने। यहाँ, यहाँ, यहाँ। हेनरी, मछली पकड़ ली। हे, पकड़ ली। ये लो। याहू। ये क्या हेनरी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हे हेनरी, वहाँ देखो एक और है। पानी में तो कुछ भी नहीं है। ताऊ जी चलो। हे आजा ताऊ जी। ताऊ जीव के साथ जरूर कुछ हुआ है, नहीं तो वो अब तक आ जाता। पता नहीं क्या हुआ है। अगर एयर को पता चला तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। वो एक तितली के पीछे गया था, पता नहीं कहां गायब हो गया। मजाक मत करो हेनरी, कभी तो सीरियस होके बात करो। मैं सोने जा रहा हूं, कोई बात हो तो मुझे जगा देना। ठीक है। Oh!
कैसे फ्राई करूं? यहां लगाता हूं या फिर सिर की तरफ? इसका तो सिर ही नहीं है, तो यही लगाता हूं, यही बढ़िया रहेगा। ये लो। कैसा है यार? कैसा है? आजा। हे, तुम कैसे हो? गए तो बड़े जोश में थे। जय कहाँ है? I'm sorry, मैं उसे बचा नहीं पाया। छोटे, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तुम्हारे साथ ऐसी क्या बात हुई? एक सांप, बहुत बड़ा सांप, मैं उसके मुंह का निवाला बनने वाला था, पर गॉड ने मुझे बचा लिया। वैसा ही एक सांप कल रात यहाँ भी आया था और हमारी सारी मुर्गियां खा ली उसने। वो सांप नहीं चलती फिरती, मौत थी। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो सांप यहाँ भी आया था? मुझे पूरा यकीन है कि उसी सांप ने ताजू को भी निगल लिया है। हमें फौरन यहाँ से बाहर का रास्ता खोजना होगा, इससे पहले कि वो हम सबको निगल जाए। नहीं, अभी नहीं, एयर को ऐसी हालत में नहीं ले जा सकते। कॉन्ग, तुम्हें शायद याद होगा वो बड़ी नदी जो हमारे गांव की ओर बहती है। हाँ, मुझे याद है, पर क्यों पूछ रहे हो? जब हम लोगों ने गांव छोड़ा तो तुम्हें याद है एक जगह से हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे थे जहाँ से नदी नीचे की ओर बहती है? हाँ, वो मुझे भी याद है, वो एक दूसरी दिशा में है जहाँ हम गांव के पीछे पहाड़ी की ओर जाते थे, वो भी नदी से होते हुए नहीं। हाँ वही, भूल जाओ हम कहाँ गए थे, मैं उस नदी की बात कर रहा हूँ जहाँ से हम ऊपर चढ़ते थे और नीचे उतरते थे। मुझे लगता है हम नदी के विपरीत जाते थे। मुझे लगता है वो झरना उसी नदी में जाकर मिलता है। हमें बांस की नाव तैयार करनी होगी, उसके बहाव के साथ हम गांव पहुंच सकते हैं। पर बांस की नाव पर कैसे जा सकते हैं?
वो सांप नदी के पानी में ही रहता है। तो पहले उस सांप को खत्म करना होगा। आज मैं उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कल फिर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल का दिन सांप के लिए आखिरी दिन होगा। तुम लोग चलो, मैं हाथ मुंह धो के पहुंचता हूँ। कांग, ये मशाल ले जाओ, मुर्गियों को मत भूलना। हे मेरी प्यारी मुर्गी, माफ कर देना मुझे, हम तुम्हारी बलि चढ़ा रहे हैं, मगर चिंता ना करो, तुम्हारी ये बलि देश के हित में होगी। ओके। ये तो हेनरी की आवाज है, कम ऑन। ओह माय गॉड, हेनरी! ए छोटे, जब मैंने तुझे गोली चलाने के लिए कहा था, तूने गोली क्यों नहीं चलाई? तेरी वजह से वो बच के भाग गया। मैं डर गया था। डैम इट, हेनरी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। झगड़ा मत करो, तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी बात सुनो, झगड़ा मत करो, आपस में लड़ते हुए शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनो, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। हेनरी, हाँ, सब मेरी ही गलती है। हमें बांस की एक नाव बनाकर उसमें निकल जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक उसे मार ना। आज वो हमारी गोलियों से बच नहीं पाएगा। आज का दिन भी बेकार गया। चलो चलते हैं। Okay.
आज भी कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता वो आएगा। तुम हमारे दिल में हो, एर, हमसे दूर मत जाना। जब हम घर पहुंचेंगे तुम्हारी यादें हमारे साथ होंगी। We all love you. Hey Kong, इस बैग में क्या है? ये बैग मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओह, ग्रेनेड्स। मैं तो ये भूल ही गया था। छोटे क्या हुआ? क्या देख रहे हो छोटे? नहीं, उसे कुछ मत करो, उसे भी जीने का हक है।
छोटे, कुदरत के हर एक जीव जंतु को आजादी से जीने का हक है। जियो और जीने दो। अगर हम बाहर ले जाएंगे तो इसे इनकी आजादी में बाधा पहुंचेगी। लोग इनकी जिंदगी में विघ्न डालते हैं, उससे इन्हें भी वैसा ही दुख होता होगा जैसा आज हमें हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं। पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, <स्थ
ठीक तो ना? बैठ जाओ। Thank you.
जल्दी आओ बाबा, बाबा जल्दी आओ, जल्दी आओ बाबा, अरे इधर आओ, अरे जल्दी आओ ना, कैसे चल रही है बाबा, जल्दी आओ। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, इन्हें बाहर निकालो, पकड़ो चलो, एक मिनट चलिए, चलो संभाल के, संभाल के, पकड़ इसको, संभाल संभाल के जरा, हां ऊपर उठो, मेरे पैर संभाल के, धीरे से संभाल के, संभाल के, जल्दी ऊपर चलो, ऊपर ऊपर ले जाओ, समझ गया।